हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हैं। और ये नवमी का दिन है, माता रानी के अखंड ज्योत और खेतरे का विसर्जन करने आए हैं हम लोग। और हमारे घर पे ना, जब अखंड ज्योत घर पे ही ठंडी हो जाती है, उसके बाद ही हम लोग उसे प्रवाहित करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो माता रानी के 9 दिन के हार फूल होते हैं ना, वो लोग हम लास्ट डे में ही इकट्ठे करके ही बाद में प्रवाहित करते हैं। तो वो सब हार माला फूल और जो भी सामग्री थी उसको प्रवाहित कर रहे हैं। इसके बाद माता रानी की अखंड ज्योति कलश और जो खेत्र का विसर्जन करेंगे। यहाँ पर थोड़े कांच के टुकड़े भी गिरे हुए थे, तो थोड़ा संभल संभल के देख कर चल रहे थे हम लोग। ज्यादा अच्छा है, मम्मी देख। हाँ, लोग उधर से तो जाते हैं। हाँ, करने के लिए नहीं, वो किसी का तो अंतिम कार्यक्रम दिख रहा है मेरे को, कि पूजा का ही है। नहीं, कपड़े देख के तो अंतिम कार्यक्रम लग रहा है मेरे को, है ना? ऐसे कपड़े पहन के क्यों आएंगे सफेद? तो लगता था कि इधर देख। हाँ जी, तो जो लोग रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो पिक्स कलेक्शन का कितना हमको शौक है। तो हम वही काम कर रहे थे, अपना पिक्स ले रहे थे। इसके बाद हम लोग सीधे घर जाएंगे, क्योंकि जब भी मतलब खेतों का विसर्जन करते हैं उसके बाद कहीं और नहीं जाते हैं, सीधे सीधे अपने घर ही जाया जाता है। तो इसके बाद हम घर की तरफ निकल रहे हैं। और इस दिन बहुत ज़्यादा मन भारी भारी सा होता है जब आप घर आते हैं। घर में इतना ज़्यादा सुनापन होता है। जिन जिन के यहाँ भी अखंड ज्योत और माता रानी के खेतरे होते हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी लोग भी समझ सकते हैं, बट जो 9 दिन तक मतलब इस चीज़ को फील कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें आज कैसा लग रहा होगा। इसके बाद थोड़ा सा रास्ते में हमको रुकना पड़ गया, क्योंकि स्वीटू का इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा था बार 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 बार, तो फिर उन्होंने रिसीव कर लिया। तो तब तक मैंने थोड़ी सी ग्रीनरी कैप्चर कर ली। कवर्धा में वैसे भी बहुत ज़्यादा हरियाली है चारों तरफ, और काफ़ी बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ पौधे हैं। और ये रहा पुल, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं देव की बुक लेने के लिए। उसकी कुछ बुक्स थी जो पहले नहीं मिल पाई थी, तो उसके लिए अभी जाना पड़ रहा है। तो देव के स्कूल की जो बुक्स हैं वो जिस शॉप पर मिलती है, वो थोड़ा सा कवर्धा के आउटर में है। और ये यहाँ पर एक नदी जाती है, इस नदी का नाम है सकरी नदी। और अपने नाम की ही तरह इस नदी में बहुत ज़्यादा कम पानी होता है। बहुत ज़्यादा पानी हम लोगों ने आज तक इसमें कभी भी नहीं देखा। सब कहते हैं कि इस बार बारिश तो कम हुई थी, लेकिन इस नदी में बाढ़ आई थी, क्योंकि पुल थोड़ा सा पानी ऊपर ऊपर आ गया था। बट वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था बाकी नदियों की तरह। आज का प्रसाद ले लीजिए माता रानी के विसर्जन का। तो घर में आके बस देव को पेड़ा खिला रही हूँ, हम लोग भी खाएंगे मलाई पेड़ा। किस किस का फेवरेट है बताइएगा ज़रूर, हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है। तो सुबह आप लोग देख ही चुके हैं कि हम लोग कहाँ गए थे, मतलब खेतरे विसर्जित कर रहे हैं, ज्योत विसर्जित कर रहे हैं। विसर्जित सही है, गलत नहीं है, विसर्जन विसर्जित प्रवाहित। तो अभी थोड़ी सी बैटरी डाउन डाउन दिख रही होगी आपको हम सबकी, इतने दिन के बाद हम लोगों ने अनाज खाना शुरू किया है। हमारे घर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा स्वीट टू है, टच फूड हमेशा रहे। हम सब नशे में इस समय ऐसा लगता है, जब होता है ना दिन के बाद खाना खाओ 9 दिन में, तो नशे में आ जाता है इंसान। मेरे को धुंधला दिख रहा है आज खा के, कैसा धुंधला है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने मंदिर में भी अखंड ज्योत रखी थी, अब हम लोग जा रहे हैं ज्योत के दर्शन करने के लिए। जागृत मंदिर है, महामाया मंदिर, पहले भी आप लोग को लास्ट नवरात्र में भी दिखाया था। और गर्मी वाले में तो अष्टमी, तो जैसा की फर्स्ट व्लॉग में मतलब जो नवरात्रि की प्रिपरेशन वाले व्लॉग में आप लोग को मैंने दिखाया ही था, हम लोग इसी मंदिर में हम लोगों ने अपना अखंड ज्योति कलश रखवाया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आई थिंक 1500 से भी ज़्यादा रखते हैं कि 2000 स्वीटू, 2000 प्लस में यहाँ पे अखंड ज्योति कलश रखते हैं। और ऊपर काम चल ही रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जगह कम पड़ने लगी, इतने ज़्यादा रखने लगे हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता भी बहुत है और हर किसी की अपनी एक आस्था होती है। बहुत से लोग घर पे रखना पॉसिबल नहीं हो पाता जॉब वॉब की वजह से, तो वो लोग मंदिरों में भी रखते हैं। तो इस वजह से भी मंदिरों में बढ़ते जा रहा है। तो हमने घर पर भी रखी थी और हम लोगों ने मंदिर में भी रखी थी, क्योंकि स्वीटू का बहुत मन था इस मंदिर में रखने का, क्योंकि गर्मी की हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठंड के भी घर में तो सेवा करेंगे बट मंदिर में ज़रूर रखेंगे। नहीं दिख क्या मतलब तब मैं बोलो पता 30 30
आप देख के समझ ही सकते हैं कि मंदिर कितना प्यारा सजा और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये प्रवेश द्वार है यहाँ का, और माता रानी के लिए श्रृंगार ले लिया है, क्योंकि श्रृंगार चढ़ाने के लिए मैंने सोचा था पंचमी में स्वीटू को भेज दूंगी, लेकिन वो चाहते थे कि हम जोड़े से ही साथ में ही आए, क्योंकि मैं तो निकल नहीं सकती थी घर में, अखंड ज्योति थी तो नवमी के पहले, तो इस वजह से आज हम लोग नवमी के दिन माता रानी को श्रृंगार और प्रसाद चढ़ाने के लिए आए हैं और अपने अखंड ज्योति के दर्शन भी कर लेंगे, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर तो नवमी के दिन तक मतलब रात में भी पूरी रहती है और पूरी ठंडी हो जाती है, तब नेक्स्ट डे दशहरे के दिन विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं। बट जो भी लोग घरों में रखते हैं तो जैसी ठंडी हो जाती है नवमी के दिन, तो अगर शाम के पहले हो रही है तो कर देते हैं विसर्जन, तो हमने कर दिया था। यहाँ पर मैं पीछे मुड़ के ये देख रही थी कि देव मतलब कुछ शूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल उसी के हाथ में था, तो मेरा क्यूट सा गोल मटोल शूट कर ही रहा था। तो देखिए आपको देवी माता के दर्शन भी करा दिए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए और बस हम लोग भी माथा टेक लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, और देखिए कितनी प्यारी सजावट है ना। और वैसे तो चैनल का फेस मैं हूँ, चैनल को हैंडल भी मैं करती हूँ, बट हमारा फैमिली व्लॉग चैनल है तो हम तीन लोग हैं, तो हम तीनों आपस में कभी कोई मोबाइल पकड़ लेता है, कभी कोई मोबाइल पकड़ लेता है, इस तरीके से अपना व्लॉग शूट कर लेते हैं। और जब लगता है कि मुझे बातचीत करनी है तो फिर मैं खुद ही पकड़ के कर लेती हूँ, बट इससे क्या होता है ना कि हम तीनों इक्वली अपने चैनल में दिख पाते हैं कि हाँ एक फैमिली व्लॉग है तो फैमिली पूरी दिखनी भी तो चाहिए ना। और यहाँ पे आरती के लिए यूज़ होता है। चलिए अब बाहर के भी आपको दर्शन करा देते हैं, बाहर की मतलब बाहर में भी माता रानी की जो जागृत पिंडियाँ हैं वो हैं। और अभी हम लोग फिलहाल आए हैं, स्वीटू का नाम ढूंढ रहे हैं कहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट में, ताकि हम देख सके। ज्योति कलश के दर्शन तो कर लिए हैं बट आप लोग को भी अभी कराऊंगी। तो बहुत ढूंढने के बाद मिला, मतलब क्योंकि हम लोग एकदम श्राद्ध के बाद में आए थे ना, लास्ट वाले दिन श्राद्ध के, इस वजह से लेट वाले मतलब आखिरी आखिरी में स्वीटू का नाम होगा। तो यहाँ पे स्वीटू का नाम मिल गया है, आप ये देख सकते हैं, मिस्टर नितिन कालिया। और अब मैं आपको करा रही हूँ अखंड ज्योत के दर्शन। तो ये देख लीजिए काफ़ी सारी ज्योत, अभी ठंडी भी हो चुकी है क्योंकि नवमी का दिन है इसलिए, लेकिन माता रानी की कृपा से जैसे हम मंदिर गए और देखा तो हमको बहुत सारी अखंड ज्योत के दर्शन हुए। तो इनके दर्शन करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, आप लोग भी कर लीजिए। और ये है माता रानी की जागृत पिंडियाँ और त्रिशूल जो यहाँ पर निकली थी, जिसकी एक स्टोरी है प्रॉपर, वो मैं आपको कभी और बताऊँगी, क्योंकि मुझे भी अभी ना ठीक से पता नहीं है, तो अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता और भगवान से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। जब मुझे पूरा पूरा पता चलेगा तब मैं आपसे इसकी स्टोरी शेयर करूँगी मंदिर की। और यहाँ पे भोले बाबा हैं, भैरव बाबा हैं और बजरंगबली भी हैं, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। और जो माता रानी की पिंडियाँ और त्रिशूल है ना यहाँ पर, वहाँ पर भी पूरे नौ दिन आप देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी ज्योति, अखंड ज्योति यहाँ पर भी पूरे नौ दिन जलती रहती है। और बहुत से लोग आके मतलब यहाँ माथा टेकने आते ही आते हैं, मतलब जो कवर्धा में रहेगा या कवर्धा के आसपास और जितने भी लोग इस मंदिर को जानते हैं वो ज़रूर नवरात्रि में टाइम निकाल कर रखे आते ही आते हैं। बस अब हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे रास्ते में जहाँ जहाँ पर मतलब माता रानी को स्थान दिया जाता है, माता रानी के मतलब दरबार होते हैं वहाँ वहाँ पे जहाँ जहाँ कोशिश करेंगे कि अगर कर पाए दर्शन तो खुद भी दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे और ऐसा करते हुए फिर घर चले जाएंगे। और यही आपको दिखाया था ना मैंने, भारत माता की मूर्ति भी यहाँ पर, यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, पेड़ पौधे और ये जो मतलब सर्कल बना हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है, और जब इसको सजा देते हैं नवरात्रों में तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि मंदिरों को हमेशा सजा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों पे इतना पैसा खर्च होता है, अगर हम मंदिरों की सजावट पे थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। बट ठीक है, अब इसमें मैं तो कुछ नहीं बोल सकती हूँ, इतने सारे मंदिर हैं इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम बाकी सब चीज़ों को अगर खर्चा कर सकते हैं तो फिर मंदिर अगर हमेशा उनकी लाइट ना उतारी जाए चलती रहे तो
तो कितनी अच्छी रौनक लगेगी मंदिर जैसे में। कि बहुत सारा मतलब पैसा आम आदमी का भी गवर्नमेंट का भी ऐसे ही पॉम्पलेट्स बेकार के एड्स इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो बहुत से एड्स काम के भी होते हैं बट बहुत से एड्स काम के नहीं भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल नेट है तो उसके थ्रू लोग वेयर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो उन चीज़ों में ना खर्च करके अगर मंदिरों की लाइटिंग पे कर दिया जाए तो हमारे मंदिरों में सिर्फ त्यौहार के 9 दिन या कभी कोई त्यौहार है तो 1 दिन लाइट नहीं रहेगी, हमेशा ही जगमगाते रहेंगे हमारे इंडिया के सारे मंदिर। तो इस चीज़ पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी इस बात से कितने लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, बट मन में आई तो मैंने ये बात बोल दी। बन गया ना वीडियो बन गया, लेकिन माता रानी के पास पूरा चमक ही रहा था, सब जगह चमके। बैठी टाइम पे दुर्गा जी और लाइट चलती ना जंदा से आ दे। और ये देखिए राजा का महल भी कितना प्यार से डेकोरेट किया गया है, सज गया है। ये कवर्धा के राजा का महल है, यहाँ पे अंदर भी जाने की परमिशन मिलती है कुछ कुछ फेस्टिवल्स में। तो कभी पॉसिबल हो पाया तो आपको आउटर का नहीं अंदर का व्लॉग शेयर करूँगी आपसे, बट दशहरे के दिन वो निकलते भी हैं। अगर कल हम लोग जा पाए तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पे हम लोग उतरे तो नहीं थे क्योंकि काफ़ी रश था, बट माता रानी की काली माता की मूर्ति स्थापित थी तो सीटू ने बाइक से ही थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले ली थी ताकि आप लोगों से हम शेयर कर सके। और ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर है जो हमारे घर से काफ़ी पास है। ये मैं कई बार आपको वीडियोज में दिखाते रहती हूँ, कई बार अंदर से भी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को मैं ये मंदिर। और हम लोग हमारा रास्ता ही ये है, मतलब इस मंदिर को क्रॉस करके हम आगे जाते हैं तो माता रानी के दर्शन भी हो जाते हैं। पहले गुप्ता वाला दूसरों के एरिया में जाके दुकानें लगाता था, अब दूसरे लोग गुप्ता के एरिया में आके दुकान लगाए। अभी आप लोगों ने पीछे देखा कितनी सारी शॉप्स लगी हुई थी, ये सब दशहरे की रौनक है क्योंकि यहाँ पर एक तो जागृत कप्पर भी निकलता है कवर्धा में, उसकी मैं क्लिप नहीं शेयर कर पाई आप लोगों से इस बार, बस नेक्स्ट टाइम से जरूर करूंगी। और उस वजह से बाहरी भी आउटर के सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो दो दो तीन तीन दिन रुकते भी हैं दशहरे तक, और दशहरे के दिन तो सारे कवर्धा के लोग आते ही आते हैं। तो उस वजह से अष्टमी नवमी दशहरे तक यहाँ पे काफी रौनक रहती है। यहाँ 3 जगह गरबा होता है, तो हम हमारे घर से जो पास में जो ग्राउंड है हम वहाँ पर आए थे देखने के लिए, मतलब थोड़ी ही देर देखे, ज़्यादा देर नहीं खड़े रहे, घर भी लौटना था हमको, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। अच्छा लगता है ना गरबा देख के, मेरा गरबा करने का बहुत बहुत ज़्यादा मन करता है। बट ऐसा है कि हमारे घर में मतलब अखंड ज्योत रहती है तो मैं 9 दिन नहीं निकल सकती, बट शादी के पहले हम लोग नवरात्र में घूमते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, गरबा भी करते थे, तो वो एक अलग ही मज़ा होता है उस चीज़ का भी। तो कल मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें।